रेडी? ओके, लिखो एग्जाम्पल। नोट्स कब लिखाएगा? बाद में, पहले क्या लिखोगे? एग्जाम्पल। रेडी रहना आप। लिखो 2 by 10 नेट 35, 2 by 10 नेट 35। तो समझ में आया? हिंदी में बोलते हैं 2/10 नेट 35। वाह वाह वाह, बटा समझते हैं? डिवाइड, ठीक है। इस भाषा में लोग ट्रेड करते हैं। आप कभी भी मार्केट में जाएंगे ना और कोई भी चीज खरीदेंगे, डिस्काउंट का भाषा ये बोला जाता है। भी हम लोगों को तो साफ साफ दिखता है फ्लैट 50% डिस्काउंट। ना 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 ना, अंदर का बात ये होता है 2/10 नेट 35। ये उनका बात कर रहे हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग के लिए ऐसे बोला जाता है। आप लोग तो पैसे वाले कहाँ उधारी में खरीदते हो, कैश मुंह पे मार के आते हो, खरीद के लेके आते हो। बट अगर कभी उधारी पे मान लो तो आपको ऐसे बात किया जाएगा। देखोगे इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सुना, ये बिजनेस का भाषा है और ये बिजनेस का भाषा ही आपका इस चैप्टर में लिखा हुआ है। आपको ऐसे ही लिखा हुआ आएगा क्या? 2/10 नेट 35। मैं अब इसका इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ध्यान से, 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, अदरवाइज 35 दिन के अंदर अंदर तो तुमको ऐसे भी पेमेंट करना ही था। पापा से बोले 2% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू पे विद इन 10 डेज, अदरवाइज यू हैव टू पे विद इन 35 डेज। क्या पहले बोला मीनिंग क्लियर हुआ? पक्का लिखो इस बात को। इट मीन्स ये उतार के लिखो, इट मीन्स देर इज अ 2% ऑफ डिस्काउंट, देर इज अ 2% ऑफ डिस्काउंट इफ पेड विद इन, देर इज अ 2% ऑफ डिस्काउंट इफ पेड विद इन कितना दिन? 10 डेज। अदरवाइज यू हैव टू पे विद इन, अदरवाइज यू हैव टू पे विद इन कितना दिन? 35 डेज। 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे तो 2% का डिस्काउंट देंगे, नहीं तो भी तेरे को कर देना है। तुम डेटर हो, तुमको डिस्काउंट अवेल करना है। कब जाके पेमेंट करोगे? स्मार्ट हो। कौन सा दिन? पहलवा दिन कि 10वां दिन तक का इंतजार करो? एकदम ब्याज एकदम बचा के जाएंगे। जैसी वो जो लास्ट घड़ी आता है ना तभी करते हैं पेमेंट, है कि नहीं? तो वो जो लास्ट घड़ी आता है उस दिन जाके पेमेंट करते हैं। यानी अजम्पशन क्या रहेगा, ये जो विद इन 10 डेज की जगह अपने लिख तो रहे विद इन, बट मतलब क्या? ऑन 10th डे, ऐसे समझा जाए तो ऑन 10 डे, अदरवाइज कब देता? अब जब डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो कितना दिन का मजा लेंगे? पूरा 35 दिन उसको झुलाएंगे और लास्ट में जाके 35वां दिन में। पहले बोलो क्लियर हो रहा? बोलने का इंटरप्रिटेशन ऑल द विद इन है, बट अंदर का बात क्या देंगे? कब? 10वां और 35वां दिन में। डन, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लिखो कंटिन्यूड एग्जाम्पल, लिखो कंटिन्यूड एग्जाम्पल। सेल्स इज इक्वल टू 10 लैक्स, सेल्स इज इक्वल टू 10 लैक्स, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 7 लैक्स, सेल्स इज इक्वल टू 10 लैक्स, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 7 लैक्स। 40% ऑफ द कस्टमर, 40% ऑफ द कस्टमर
availed discount. percent of the customer availed discount. ROI, ROI is equals to 15%. Bad debt is equals to 2%. Bad debt is equals to 2%. Calculate surplus. Calculate surplus. चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट कीजिए. सेल्स कितना? 10 लाख. माइनस कॉस्ट कितना? जल्दी 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 लिखना चालू करो. 10 माइनस 7 कितना आया? 3 लाख. माइनस क्या होगा? वही 4 खर्चे. क्या क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स कितना होगा अभी बता रहे, ठीक है? लिख के छोड़ दो एक बार. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स मैं इसका कैसे करूंगा वो आपसे पूछूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या आएगा? माइनस बैड डेट. भैया बैड डेट किस पे निकलता है? टोटल क्रेडिट सेल्स पे, ठीक है ना? कितना सेल्स है ये मत बोलना जो डिस्काउंट अवेल किया वो कहां बैड डेट कर रहा है. ये एवरेज है, 2% इज एवरेज. वो किस पे निकलेगा? टोटल पे, ठीक है? तो कितना बैड डेट बोला आपको? कितना बोला था? 2% ऑफ 10 लाख. ये तो इजी था. कितना हो गया? 20,000. ये तो क्लियर है. हाँ आप बोल सकते हैं भैया वो जो 40% लोग हैं वो थोड़ी बैड डेट करेंगे. ये 2% एवरेज में होता है. डन. तो टोटल पे निकालते हैं. नेक्स्ट माइनस क्या? डिस्काउंट अलाउंट. डिस्काउंट का खर्चा कितना निकलेगा पहले ये बताइए आप. देखते हैं आप लोग कैसे सोचते हैं. डिस्काउंट देंगे कॉस्ट पे कि वो तो सेल्स पे लेके जाएगा? जो डिस्काउंट का खर्चा होगा वो किस पे होगा? सेल्स पे कि कॉस्ट पे? ऑब्वियसली सेल्स पे. उसको थोड़ी बताएंगे मेरा खर्चा कितना लग रहा है, पकड़ के मारेगा हम उसको. तो कितना पे देगा? सेल्स पे डिस्काउंट देगा. यानी कितना सेल्स था बताइए? 10 लाख. क्या 10 लाख का 10 लाख कस्टमर्स मेरे से डिस्काउंट लेके गया? कितना लोग लेके गया? इसका 40% लोग. यानी 4 लाख का सेल्स डिस्काउंट पे हुआ था. तो उसके कारण मेरे को क्या खर्चा देना पड़ा? 2% का डिस्काउंट. समझ में आया? 10 लाख का 40% लोग डिस्काउंट अवेल किया, उनका 2% का खर्चा कितना आया? 8,000. एवरीवन क्लियर है? बोलिए. ये सिर्फ मेरे को बोलिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में एक बार बात ही मत कीजिए. क्या 20,000? आप बोलना चाह रहे हैं क्या 10 लाख में वो 4 लाख लोग को हटाए, ये बोल रहे हैं? इंक्लूड क्यों करना? किस दर से? सब एवरेज है भाई. तुम जब माल बेच रहे थे तुमको थोड़ी मालूम था ये 20,000 लोग वो करेंगे. जैसी दिया उसी समय क्या हो गया? डिस्काउंट. अच्छा डिस्काउंट कर दे रहे. जब वो पेमेंट करने आ रहा तो पेमेंट कौन करने आएगा? जो बैड डेट करने वाला है कि नहीं करने वाला? तो ये 20,000 लोग कहाँ है? इसमें तो है ही नहीं 40,000 4 लाख में. ये तो कहाँ छुपे हुए हैं? कुछ 6 लाख. तो यहां से क्यों एक्सक्लूड? तो समझ में आया? जो पेमेंट दे ही दे रहे हैं 10 दिन के अंदर वो कहां बैड डेट कर रहे हैं? बैड डेट तो कौन कर रहे हैं? जो बाकी 6 लाख से. तो भैया ये भी 6 लाख पे निकाली. अरे ये 2% ऑन एन एवरेज तो इसलिए 10 दिन. बोलो क्लियर है? सिर्फ एक खर्चा बच गया. कोई निकाला है तो बताओ. अज्यूमिंग द 360 डेज. तो ये निकाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स. लोग निकालना चाह रहे हैं और मेरे को आंसर बताना चाह रहे हैं. ट्राई कीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर. आप अपने तरीके से कुछ भी हवा में तीर मारिए. कौन सा नहीं समझ में आया? अरे ये तो बैड डेट है. वो बकवास की, उसका मत सुना कर, बकवास करती है. तुम अपना तरीका से बता हमको. 10 लाख का 40% लोग क्या किया? डिस्काउंट अवेल किया. उनको 2% डिस्काउंट दे रहा होगा.
2% ये तो रहा, समझाया तो अभी ऊपर है 2%, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हुआ, ये मत सोचना ये 2-2 सेम है, करेक्ट सम्स बोला तो कंटिन्यूड एग्जांपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर कितने लोग का आया, मैं पूछूंगा कितना आया ऋतिक, कितना आया 7-2, 9-2 करीब करीब ये आया सबका 7-2, 9-2 कैसे आया मतलब ही नहीं है मेरे को, ट्राई कीजिए और देखिए क्या आपका भी इनके जैसा आंसर आ रहा, प्लीज ट्राई कीजिए बाबू, होगा आपसे ही होगा, हम कौन होता है, आपको बनिया बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आपके पिताजी का हाथ है, प्लीज बनिया बनिए जल्दी। कौतो एलो कैसे किया मैं पूछूंगी किसी से, ऋतिक कैसे किया, वेरी गुड। आप अलग अलग करने की बजाय जैसे लास्ट सम्स में हम आपको सिखाया क्या निकाल लो, पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्या निकाल लो एवरेज कलेक्शन पीरियड, 10 दिन के अंदर कितना परसेंट 40, 35 डेज के अंदर कितना 60, क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो, निकालो ना कितना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, सबसे पहले क्या निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, 10 दिन 40%, 35 दिन 60%, कितना आया बोलो ना 25 days आया, 25 days सबसे पहले क्या निकाल लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, भैया अलग अलग करना चाहते हैं, अरे सेम आंसर आएगा माथा मत लगाना, उससे अच्छा क्या निकाल लो एवरेज कलेक्शन पीरियड, किस पे निकालोगे कॉस्ट की सेल्स, ये कॉस्ट पे निकलता है यानी 7 लाख इंटू 25/360 इंटू 15% आया, समझ में आया, कुछ नया नहीं है ये तो, आप सिर्फ भाषा सिखाए बाकी तो किए हम लोग, आप होते कौन। डिस्काउंट अलाउड समझ में आया, लिखना है इसके बारे में कुछ, डिस्काउंट अलाउड कैसे निकलता है या समझ में आता है कैसे निकालो कि डिस्काउंट अलाउड बताओ, तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल सेल्स इनटू इनटू परसेंटेज ऑफ पीपल अवेलिंग डिस्काउंट इनटू डिस्काउंट रेट। अब ये सब रटना बंद करो, सिंपल सम से देखो ना, आपको भी दिमाग में आया 8000 आएगा। तकलीफ का बात यह हुआ एसीपी निकालना, वो आज सीखे थे क्वेश्चन नंबर 13 में, बस वही काम किया, बोलो डन है, तकलीफ क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं 100% बढ़ सकता, कंटिन्यूड एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट आंसर कितना आया, सरप्लस आया गया, धंधा करोगे वेरी गुड, कंटिन्यूड एग्जाम्पल। वॉट इफ इन द अबव एग्जाम्पल, What if in the above example ACP was given as 30 days, 30 days आएगा कैसे ये मत सोचना, बस क्या बोल दिया सच में एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 30 days, अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड दे ही दिया तो सम्स कैसे करते हैं बताओ बताओ बताओ, सेम सम्स है ऊपर में, क्या ये 3 लाख तक सेम बात रहता, क्या ये 3 लाख तक सेम बात रहता, ध्यान से सुनो, क्या बैड डेट वही होता, क्या डिस्काउंट चेंज होता, क्या डिस्काउंट चेंज होता, नहीं डिस्काउंट क्यों चेंज होगा, अभी भी तो 40% लोग ही अवेल करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज होता, क्या करते तब हम भैया ये मेहनत ही नहीं करते, डायरेक्ट ही यहां क्या बैठा देते, ऐसा हो कैसे सकता है एवरेज बाहर आ रहा है, इतना मैथ्स मत सीखो, वो बोल दिया सम्स बोल दिया तो मानना पड़ेगा,
क्योंकि वो ये सोचा कि ऑल्दो ये होता है बट लोग जनरली इतना दिन ले देते हैं, तो कितना आया एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज, तो अपना एक मेहनत उल्टा कम हो गया, क्या निकालना एसीपी निकालना, एक मेहनत कम हो गया उल्टा क्या निकालना एसीपी निकालना। तो सम्स में क्या चेंज आएगा सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। निकालो कितना आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 दिन के साथ 875050, तो आंसर आ जाएगा क्या नया 300000 माइनस 8750 माइनस 20000 माइनस 8000। समझ में आ रहा है भैया? एग्जाम में कैसा आता है, जो आप सेकेंड एग्जाम्पल दिए वो कि थर्ड एग्जाम्पल दिए वो, थर्ड वाला आता है इसीलिए तो कराए। यानी एग्जाम हॉल में हमेशा क्या दे देगा एसीपी दे देगा, तो माथा मत लगाना आपने ये करने का, दे देगा आपको, सिर्फ डिस्काउंट के समय सोचना। डन है, आगे बढ़ सकते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 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 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14। हम तो आपको कोई होमवर्क ही नहीं दिए इस चैप्टर में, इतना अच्छा है सब क्लास वर्क 14 कर रहे हैं। चलो पढ़ो, टाइम पास नहीं। कितने का क्रेडिट सेल्स है, कितने का क्रेडिट सेल्स है 12। एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स कितना है 1/10 नेट 45, मतलब 1% का डिस्काउंट देते हैं जो 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दे, अदरवाइज पेमेंट बोल से बोल ना, इसका ओटीपी चाहिए, ओटीपी चाहिए, बोलो वेट करना होगा, नहीं तो बैच जी को फोन कर और बोल अविनाश जी को बोलेंगे वो अमेजोन वाला आया है ओटीपी चाहिए आपके मोबाइल में आया, ठीक है अमित बचाव सर यहाँ बोल रहे हैं। फटाफट, अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 लाख, इट्स एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर कितना 1/10 नेट 45 एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज, तो क्या अपने माथा लगाएंगे वो करने का, नहीं सीधा एसीपी दे दिया। The current bad debt losses is 1.5%. In order to accelerate the collection process further, as also to increase sales, the company is contemplating liberalization of its existing credit terms. सब बकवास इंग्लिश लिख के लास्ट में क्या बोला, क्या नया पॉलिसी ला रहे हैं 2/10 नेट, यानी 2% डिस्काउंट देंगे अगर लोग, बट ये सब बात बकवास है भैया, क्योंकि वापस से अगर एसीपी दे दे तब तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है 2% का डिस्काउंट, ठीक है देखते। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाई कितना 1/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग, 1/3 निकालो 12 का 4 लाख, यानी नया सेल्स कितना हो जाएगा 16 लाख, तो करेंट में क्या चलेगा 12, प्रपोज में क्या चलेगा 16, कैटन है। बैड डेट कितना बढ़ जाएगा 2% और एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन बाई की 2 मतलब 20 लोगे कि 20 ही लेंगे, माइनस 20 नहीं 20 लोगे 2 बोले, ठीक है यानी फिर से एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है। द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ द कंपनी इज कितना, ज्यादा इसको क्या बुलाते थे पीवी रेशियो, क्या बुलाते थे इसको पीवी रेशियो, कितना दिया 22%, यानी सेल्स माइनस कौन सा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट विल गिव अस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना दे दिया 22% ऑफ सेल्स, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 78% ऑफ सेल्स। देन
The opportunity cost of investment in receivables is kitna? ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा. ओ माई गॉड, प्री टैक्स क्या करना पड़ेगा? प्री टैक्स यह क्या करना पड़ेगा? तो यही आप भी मत डरिएगा भैया, ये प्री टैक्स अलग से क्यों लिखा है? कुछ नहीं, आपको यही कंफ्यूज करने के लिए कि आप कुछ माथा लगाए और अपना काम करना चालू करें. प्री टैक्स ही रेट चाहिए अपने को. अपने को कौन सा रेट चाहिए? प्री टैक्स वाला ही, ठीक है ना. पोस्ट मत बना देना इसको दिमाग लगा के. 50% एंड 80% ऑफ द कस्टमर इन द टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट अंडर एग्जिस्टिंग एंड लिबरलाइजेशन स्कीम. क्या धन्यवाद आपको पक्का. यानी कितना परसेंट लोग डिस्काउंट लेंगे? 50 और अगले में 80. ये काम काम आएगा डिस्काउंट अलाउड निकालने के लिए बस, ठीक है ना. टैक्स रेट दिया तो क्या करोगे? सरप्लस आपने टैक्स निकाल लेंगे. क्या रेट को चेंज करोगे? कर मत देना, ठीक है ना. यही चाहिए था. शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स? आपसे मांगा है और लिख दिया अज्यूम 360 डेज ही नहीं है, तो आपको कुछ अजम्पशन लेने का दरकार नहीं है. समझ में आपको बात? चलिए स्टार्ट कीजिए. क्या क्या लिख सकते हो? एग्जिस्टिंग और नया वाला स्कीम. डन, फटाफट कर सकते हैं. अब आपको नया चीज सीखने आ गया कि कोई भी सन्स किससे कर सकते हैं. इंक्रीमेंटल अप्रोच. अगर फायदा होगा तो करेंगे, नहीं हुआ तो पुराना वाला ही करेंगे. क्या समझ में आ रहा? बस ये मना नहीं कर रहा हूं मैं, आप ये समझ भी इंक्रीमेंटल अप्रोच से कर सकते हैं. सेल्स बताइए. सेल्स 12 लाख 16 लाख एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड. माइनस कॉस्ट कितना होता है हमेशा? 78%. ये समझ में आया क्या? क्योंकि कंट्रीब्यूशन 22. ये आ गया अपना कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट. 22%. चलिए कीजिए, हम नहीं करेंगे. आप कब किए? कब है? ₹2,64,000, ₹3,52,000 आया सबका. माइनस क्या करोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स. क्या एसीपी निकालने का मेहनत करना है? ना, एकदम नहीं सर. सिर्फ फॉर्मूला लिख के दिखा दो उसको. किस पे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट इनटू एसीपी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड बोल दिया 360 अज्यूम करने, इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 15% बिफोर टैक्स. वो ही चाहिए था. अब दोनों में वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग है, एसीपी अलग अलग है. पुराने वाले में एसीपी कितना था? 30 दिन. नए वाले में 20 दिन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स बताइए. पहला वाला 11700. अरे तो 11700 बोलो ना, तेरा 18000 आ रहा है. नहीं, 11000 से. नेक्स्ट वाला 10400. सबका आया क्या? हाँ बोल रहा, राउंड ऑफ कर. बोल दो, बोलना क्या गाते हैं यार? क्या कई बार सोचा था पहले.
माइनस क्या होगा? बैड डेट्स इज अ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स. पहले 1.5 था, नेक्स्ट में 2 हो गया, तो 1.5 ऑफ 12, 2 ऑफ 16, ब्रम कितना आया? 18 और 32 आया क्या? माइनस डिस्काउंट, आराम से डिस्काउंट किस पे निकलेगा? सेल्स इनटू क्या? इनटू क्या? कस्टमर्स अवेलिंग. परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट इनटू कितना परसेंट? चेंज है दोनों, ठीक है ना, तो डिस्काउंट रेट लिख देना, इनटू डिस्काउंट रेट. सेल्स भी अलग अलग है, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स भी अलग अलग है, रेट भी अलग अलग है. 12 लाख का 50% का 1%, 12 लाख का 50% का 1%, 6,000. 16 लाख का 80% का 2%. इतना बकवास करते हो. 25,600, ठीक है. और कोई खर्चा है ना? सरप्लस बिफोर टैक्स, सरप्लस बिफोर टैक्स 2,28,300, 284. आफ्टर निकाल लेना, क्योंकि टैक्स दिया ही है तो यूज कर लेते. माइनस टैक्स 30%. प्रॉब्लम तो कुछ ही नहीं है, सरप्लस आफ्टर टैक्स. फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा. तो यस, कंपनी शुड चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स एज इट लीड्स टू हायर सर्विस. यस, द कंपनी शुड चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स एज इट लीड्स टू हायर सर्विस. एज इट लीड्स टू हायर सर्विस. एज इट लीड्स टू हायर सर्विस. सरप्लस बहुत इजी भैया, बहुत इजी. आगे बढ़िए. तो इसको प्री टैक्स करना पड़ता, याद है लास्ट क्लास सिखाया था, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके. आपको नहीं आता सर, नेक्स्ट क्लास, पिछला क्लास देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा. डन डन.